from the gel. Can anyone of you think why this happens? हमें जो जेल में मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्यों होता है, ओरिजिनल सीक्वेंस क्यों नहीं होता? बिकॉज जो डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड के अगेंस्ट सिंथेसाइज करता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करता है. ए के अगेंस्ट हमेशा टी ऐड होता है, टी के अगेंस्ट ए ऐड होता है. इसीलिए जो सीक्वेंस हमें जेल से मिलता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. And from this complementary sequence, we will determine our original sequence. तो साइंटिस्ट जब इसको लैब में करते हैं तो उनको सिर्फ ये सीक्वेंस पता चलती है और वो इस सीक्वेंस से इसको डिटरमिन करते हैं. ओरिजिनली दे डोंट नो दिस सीक्वेंस, बट हमें पूरा प्रोसीजर अंडरस्टैंड करना था इसीलिए हमने एक सीक्वेंस लेट की थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द सैंगर्स एंड कॉल्सन मैथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेन टर्मिनेशन बाय द यूज ऑफ डीडीएंट पीस इन विच वी हैव टू यूज द फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर्स. इट इज समवट अ लेंथी प्रोसेस एंड Nowadays, scientists have modified this methodology of Sanger's and Colson method, and we have a new procedure which is known as, which is a modification of this only, automated DNA sequencing, which we will discuss in our next lecture. So for today this is over. One more important thing for this question, for this topic, let two or three sequences take by yourself and do the practice. This is an important question. Thank you students, all the best.